शहर में जगह जगह अंडा मुर्गा मछली आदि की दुकानें खुल गई हैं, जिसको लेकर आम नागरिकों में काफी रोष है। इसी सबको लेकर आज नगर पालिका उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष सहित नगर पालिका के विभिन्न पार्षदों ने एक साथ मिलकर अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन दिया है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि शहर में विभिन्न गली मोहल्ले में इसी तरह की दुकान खुल गई है, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां इन दुकानों से जो अपशिष्ट निकलता है उससे बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। शहर में मुख्य रूप से धुबिया तालाब, जुगियाना मोहल्ला, पुराना बस स्टैंड, खटकियाना रोड सहित कई स्थानों पर दो दर्जन से अधिक इस तरह की दुकानें खुल गई हैं, जहां गली चौराहे पर भी अंडे आदि के ठेले खुले में लगे हुए हैं। इन सबको लेकर ज्ञापन सौंपा गया, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि नगर पालिका द्वारा जो मीट मार्केट तैयार किया गया है, ये सभी दुकानें वहीं पर लगवाई जाए। ज्ञात है कि पूर्व में भी कई संगठनों ने इस तरह से ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी को दिए हैं, किंतु उन पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। एक आवेदन दिया है, तो किस तरह का आवेदन दिया? वो इस तरह का है कि नगर में जो चाहे जहाँ चाहे जिस तरीके से भी बकरा मुर्गा मछली बेच रहा है, चौराहों में गंदगी, आए दिन कुत्ते वहाँ पड़े रहते हैं, बेटा बेटियों को काट रहे हैं, आने जाने वालों को दिक्कत हो रही है, जो आदमी शाकाहार है उनको दिक्कत हो रही है, आए दिन नगर पालिका में या मेरे लिए आवेदन हो रहे हैं, बहुत गंदगी। कहाँ पर आवेदन दिया है? मैंने नगर पालिका CMO को दिया, आदेश को दिया। लगभग कितने दिन हो गए आवेदन देते? लगभग एक महीना, अभी एक आध डेढ़ महीने पहले दे चुका है, कल दिया है। आप कौन से वार्ड के पार्षद? मैं वार्ड क्रमांक 5 से वार्ड पार्षद। आपकी मीटिंग कितने कितने बार हुई है अभी यहाँ पर? मीटिंग तो यहाँ बहुत कम होती है, और मीटिंग होने का